दुनिया में एक देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। देखने में बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है, ऐसा कहते हैं। वहां कुछ 10-12 बैंक हैं, उनका कुछ नाम है, जैसे बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिख, ऐसे ऐसे वहां पर कुछ 12-15 बैंक है। उन बैंकों में अकाउंट्स ओपन होते हैं, लेकिन वहां जो अकाउंट ओपन होते हैं उनकी एक विशेष बात है। विशेष बात यह है कि जो भी व्यक्ति वहां जाकर अकाउंट खोलता है, उस व्यक्ति को वहां ब्याज नहीं मिलता, उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और सर्विस चार्ज कैसे देना पड़ता है, जैसे मान लो $1 करोड़ आप वहां जमा करो तो 4.5% के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर आप $1 करोड़ जमा करके आ गए और 10 वर्ष तक आप दूसरा कुछ उसमें नहीं जमा कर पाए, तो वो $1 करोड़ आपका सर्विस चार्ज में खत्म हो लेगा, क्योंकि 4.5% के हिसाब से हर साल का 4.5 लाख, फिर अगले साल का, फिर अगले साल का, तो 10-15 साल में वो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से वहां अकाउंट चलते हैं। दूसरे उन अकाउंट की एक विशेषता होती है कि आप जब स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो वो कभी उसकी किसी को पोल नहीं बताते, जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि ये अकाउंट का पैसा घोटाले का है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो वो तुरंत पोल खोल देते हैं, और अगर सिद्ध नहीं होता तो वो दबा के रखते हैं। तीसरी एक महत्व की बात है कि जिन अकाउंट में ये पैसा रखा जाता है, वो सबके सब अकाउंट में सामान्य रूप से कोई नॉमिनी नहीं होता, जिसने जमा किया वो ही विड्रॉ कर सकता है, और अगर मर गया तो डूब जाता, ऐसा भी होता है। अब ये सब पुढ़ारी उन बैंकों में ले जाके पैसा रखते हैं, और जिन पुढ़ारियों ने उन बैंकों में पैसा रखा है उनके बारे में मैंने पिछले 10 वर्षों में कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनका नाम है शिव खेड़ा, आपने सुना होगा, आजकल अखबारों में उनका बहुत जाहिरात आता। उनकी एक लिखी हुई पुस्तक है जीत आपकी, बहुत चलती है पूरे देश। शिव खेड़ा बेसिकली इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री, और उनका इसी विषय पर अध्ययन है। भारत के पुढ़ारी जो ब्लैक मनी पैदा करते हैं या लूट और रिश्वत का पैसा जो रखते हैं वो स्विस बैंक में जाता है, तो उसके बारे में उनका अध्ययन है। अभी थोड़े बरस से वो भारत आने लगे हैं, शिव खेड़ा। अभी थोड़े समय पूर्व वो उड़ीसा में थे, संबलपुर नाम के गांव में, मैं भी था वहां पर, हम दोनों व्याख्यान देने एक ही शहर में गए। तो शिव खेड़ा से अभी शायद मेरी 1.5-2 महीने पहले मुलाकात थी, तो मैंने उनको पूछा कि आपके स्टेटिस्टिक्स क्या कहते, कितना पैसा है भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में। तो उन्होंने कहा, राजीव भाई, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके अनुसार भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में $2,000 बिलियन। अब ये कितना होता है, 2,000 अबज डॉलर, 1 अबज में 100 कोटि और 1 डॉलर में 47 रुपए। तो 2,000 अबज डॉलर कितना, 2,000 अबज डॉलर आप समझ लो 98 लाख कोटि रुपए, माने 100 लाख कोटि रुपए के आसपास। हमारी कुल लोक संख्या 100 कोटि और पुढ़ारियों का पैसा 100 लाख कोटि, तो एक एक को कितना मिल सकता है, आप सोचो। जरा 100 लाख कोटि पुढ़ारियों का पैसा स्विस बैंक में पड़ा है। और इनमें मजे की बात ऐसी है, वो ये बताते हैं शिव खेड़ा, कि बहुत सारे पुढ़ारी हैं जो मर गए लेकिन पैसा वहां पड़ा हुआ, क्योंकि अब उनके परिवार का कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। कानून उनका ऐसा है कि जो जमा करेगा वही विड्रॉ करेगा, नॉमिनी वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप सोचो इतना पैसा, तब मेरे समझ में अब सब बात आती है। बात क्या आती है, 10 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, 9 पंचवर्षीय, उनमें 90 लाख कोटि खर्च हुआ, लेकिन देश का विकास और वैसे का वैसा ही है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी। तो ये गया कहां, यही पैसा है जो स्विस बैंक में गया। पुढ़ारियों ने रिश्वत ली, घोटाले किए, घोटाले का पैसा कहां गया, स्विस बैंक में गया। और वो पैसा जो स्विस बैंक में पड़ा है, अगर भारत में होता तो देश में गरीब और बेकार व्यक्ति का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि इतना पैसा अगर हमारी करेंसी में होता, हमारे लोकल करेंसी के सर्कुलेशन में, इकोनॉमी में होता ये पैसा, तो आप जानते हैं इसमें से क्या हो सकता, कोई मजाक बात नहीं है। 2,000 अबज डॉलर बहुत रकम होती, अगर ये 2,000 अबज डॉलर देश में रहती
पुढ़ारियों ने देश के बैंकों में ही रखा होता, बैंक में से हमने कर्ज लिया होता, कर्जे से कोई कारखाना चलाया होता, कारखाने में माल बनाया होता, माल बनाकर बाजार में बेचा होता, बेचकर मुनाफा कमाया होता, फिर कर्ज को वापस किया होता, फिर दूसरे ने लिया होता, तो आप सोचो देश का कितना औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती थी इसी पैसे। और मैं तो बोलता हूं कुछ भी नहीं किया होता, सब गरीबों को बांट दिया होता खुले हाथ से, तो हर एक गरीब आदमी कोटिपति हो जाता। ये देश की गरीबी का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण। ये पुढ़ारी लोग अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए क्या कहते हैं, लोक संख्या बाढ़ इस देश में है, इसलिए देश में गरीबी भुखमरी है। और मैं तो कई पुढ़ारियों को जानता हूं जो आमदार और खासदार बनने के पहले उनके पास टूटी साइकिल नहीं थी चलने, और आज उनके पास 400 कोटि की संपत्ति, 500 कोटि की संपत्ति। ऐसे भी कई पुढ़ारियों को मैं जानता हूं जो सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे आमदार खासदारों ने, आज उनके पास 500 कोटि की संपत्ति। ये कहां से आ रहा है सारा? तो वो कहते हैं ईश्वर ने हमें दिया, भगवान ने दिया, भगवान उन्हीं को देता, मुझे क्यों नहीं देता, आपको क्यों नहीं देता। और उनके घर में कोई पेड़ लगा है रुपए का, वो हिलाते हैं तो उसमें से गिरता। ये सब हमारा पैसा, आपका पैसा, मेरी मेहनत का, आपकी मेहनत का, ये गलती से इनके हाथ में लग गया या घोटाला करके उनके हाथ में लग गया, उसी में से ये सब चलता है। तो भारत की गरीबी भुखमरी बेकारी का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं देश का पैसा परदेश जाना, देश की लक्ष्मी का परदेश जाना, देश की संपत्ति का परदेश जाना। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप गरीब हो जाएंगे। लक्ष्मी का नाराज होने का अर्थ है लक्ष्मी आपके घर से निकल जाए, परिवार से बाहर जाए, तो आप गरीब हो जाएंगे। तो देश एक बड़ा परिवार है, देश में से पैसा निकल गया, लक्ष्मी चली गई, तो देश गरीब हो जाएगा। तो वही गरीबी लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।